जादुई तीन सुनहरे लहंगे। हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कहानी जादुई तीन सुनहरे लहंगों की है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई तीन सुनहरे लहंगों की कहानी। बहुत समय पहले परी देश में तीन परी बहनें रहती थी। उन तीनों के पास तीन जादुई खूबसूरत लहंगे थे। जब भी उन्हें पृथ्वी की सैर करने जाना होता तो वो तीनों अपनी जादुई लहंगे पहनकर पृथ्वी पर जाया करती थी। जादुई लहंगे परियों को हर मुसीबत से बचाते थे। इस तरह एक दिन तीनों बहनें पृथ्वी की सैर कर रही थी, तभी उन्हें समंदर में कुछ लड़कियां डूबती हुई दिखाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमारी मदद करो। अरे वो देखो, समंदर में कुछ लड़कियां डूब रही हैं। चलो चलकर उन्हें बचाते हैं। फिर वो तीनों परी बहनें समंदर में डूब रही लड़कियों को बचाकर किनारे ले जाती है। हमारी जान बचाने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ये एहसान चुकाना चाहते हैं, इसलिए आप तीनों हमारे गांव चलिए, आपको स्वादिष्ट खाना खिलाकर हम विदा करेंगे। उसके बाद वो लड़कियां तीनों बहनों को अपने गांव ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर पहले वहां तेज बारिश हुई थी, जिस वजह से उन लड़कियों के घर में रखा अनाज पूरी तरह भीग गया था। अरे नहीं, ये क्या हो गया, बारिश की वजह से हमारे घर का सारा अनाज भीग गया, अब हम परियों को क्या खिलाएंगे। तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, हम तीनों बहनें यहाँ स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार कर देंगे, उसके बाद हम सब मिलकर खाएंगे। इतना ही नहीं, तुम अपने गांव के सभी लोगों को बुला लो, आज हम तीनों बहनें उन्हें बहुत बड़ी दावत देंगी। परी की बात सुनकर सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और थोड़ी ही देर में गांव के सभी लोगों को वहां इकट्ठा कर लेती हैं। उसके बाद पहली परी अपने लहंगे में बने एक छोटे से जेब से कढ़ाई निकालकर जमीन पर रख देती है। देखते ही देखते वो कढ़ाई विशाल रूप धारण कर लेती है। उसके बाद दूसरी परी अपने लहंगे के जेब से एक छोटी सी अनाज की बोरी निकालकर जमीन पर रख देती है और अगले ही पल वो बोरी एक बड़ी अनाज की बोरी में बदल जाती है। ये सब देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं। फिर तीसरी परी अपने लहंगे की जेब से छोटी सी टोकरी निकालकर जमीन पर रख देती है और अगले पल वो टोकरी बड़ी होकर तरह तरह के फल और सब्जियों से भर जाती है। उसके बाद उस कढ़ाई के ऊपर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना पकना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते ढेर सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद तीनों परियां ढेर सारी कुर्सियां और टेबल प्रकट करके गांव वालों के साथ बैठकर मजे से खाना खाने लगती है। हम गरीब लोगों को इतना स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए आप तीनों परियों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सच में आप तीनों बहनें बहुत अच्छी हो, भगवान आप तीनों को बहुत लंबी उम्र दे। फिर खाना खत्म होने के बाद वो तीनों बहनें गांव वालों को एक बड़ी सी जादुई मछली देते हुए कहती हैं, ये एक जादुई मछली है, इसे गांव के कुएं में डाल दो। इस मछली के पेट से रोज सोने की मछली बाहर निकलेंगी। उन सोने की मछली को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे तुम लोग आपस में बांट लेना। इतना कहकर तीनों बहनें वहां से चली जाती है। उसके बाद गांव वाले उस बड़ी मछली को कुएं में डालकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उसी गांव में चंपा और चमेली नाम की दो लालची बहनें रहती थी। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है, हमें कुएं के अंदर मौजूद जादुई मछली को चुरा लेना चाहिए। उसके बाद मछली के पेट से निकलने वाली सोने की मछली हम दोनों की हो जाएगी। तो ठीक कहती है, चल इसी वक्त जाकर उस मछली को निकाल लेते हैं। उसके बाद दोनों बहनें कुएं पर पहुंच जाती हैं और एक बड़ा सा जाल फेंककर मछली को बाहर निकाल लेती हैं। फिर वो दोनों उस मछली को लेकर गांव से दूर चली जाती हैं,
तभी उन्हें एक नदी दिखाई देती है। नदी के किनारे एक कुआं भी मौजूद था। हमें इस मछली को इस कुएं के अंदर डाल देना चाहिए, इससे सुरक्षित जगह और कहीं नहीं हो सकती। इस कुएं के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। फिर दोनों बहनें जादुई मछली को कुएं में डाल देती हैं। चल यहाँ से चलते हैं, कल सुबह आकर हम अपनी सोने की मछली कुएं से बाहर निकाल लेंगे। फिर वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती हैं। सुबह होते ही वो दोनों सोने की मछली लेने कुएं के पास पहुँच जाती हैं। लेकिन तभी अचानक वो जादुई मछली बड़े मगरमच्छ में बदल जाती है और दोनों बहनों पर हमला कर देती है। तुम दोनों लालच में आकर मासूम गांव वालों को धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या हो गया, ये मछली तो एक मगरमच्छ में बदल गई। लगता है ये हमें जान से मार देगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, हमें इस मगरमच्छ से अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए। फिर दोनों बहनें मगरमच्छ के सामने गिड़गिड़ाकर रोने लगती हैं। ये देख मगरमच्छ को दया आ जाती है। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर मुझे वापस उठाकर गांव के कुएं में छोड़ दो। इतना कहकर मगरमच्छ फिर से मछली के रूप में बदल जाता है। उसके बाद वो दोनों बहनें उस मछली को ले जाकर गांव के कुएं में डाल देती हैं। फिर अगले दिन से गांव वालों को रोज एक सोने की मछली मिलने लगती है। इससे धीरे धीरे गांव वाले बहुत अमीर बन जाते हैं। दूसरी तरफ चंपा और चमेली बेईमानी और लालच छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जीने लगती हैं। तो देखा दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना कोई स्वार्थ के दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को धोखा देने वाले लालची लोग कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए हमें जिंदगी में कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, परिदेश में नैना और सनैना नाम की दो जुड़वा बहनें रहती थी। उन दोनों की शादी दो भाइयों से हुई थी। फिर कुछ समय बाद दोनों गर्भवती हो जाती हैं। हम दोनों का पेट जरूरत से ज्यादा बड़ा है, लगता है हम दोनों के जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। हाँ तू ठीक कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हमें इस वक्त अपना अच्छी तरह ध्यान रखना होगा और समय समय पर चेकअप करवाते रहना होगा। फिर कुछ दिनों बाद दोनों बहनें डॉक्टर परी के पास अपना चेक करवाने जाती हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों के बच्चे तो बहुत ही कमजोर हैं, जल्दी इनका इलाज करना होगा वरना इनकी मौत हो सकती है। डॉक्टर परी की बातें सुनकर दोनों बहनें घबरा जाती हैं। आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी से हमारा इलाज शुरू कर दीजिए। तुम्हारे बच्चों को बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है जिसका इलाज करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ पृथ्वी पर मेरी पहचान की एक डॉक्टर रहती है, वो बहुत ही बड़ी डॉक्टर है। कुछ दिनों पहले जब रानी परी बीमार हुई थी तो उसने रानी परी का इलाज किया था। अगर तुम दोनों अपने बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे डॉक्टर सहेली के पास चलना होगा। दोनों परी बहनें फौरन डॉक्टर परी के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर शाम को डॉक्टर परी उन दोनों को लेकर पृथ्वी के जंगल में पहुंच जाती हैं। आपने कहा था आप हमें अपनी डॉक्टर सहेली के यहाँ लेकर जा रही हैं, लेकिन आप तो हमें इस जंगल में लेकर आ गई, मुझे यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी अचानक वहाँ एक बुरी जादूगरनी प्रकट हो जाती है। शाबाश डॉक्टर परी, तूने अपना वादा पूरा किया, आखिरकार तू मेरे पास गर्भवती परियों को लेकर आ ही गई। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब तुम अपना वादा पूरा करो। तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे पास दो गर्भवती परियों को लेकर आऊं तो तुम मुझे जादुई चुड़ैलों की फौज दोगी, जिनकी मदद से मैं रानी परी को हरा कर महल पर कब्जा कर सकूं। तुम चिंता मत करो, आज शाम को ही इन दोनों परियों को मारने के बाद मैं यहाँ जादुई चुड़ैलों की फौज बुलवा लूंगी, तब तक तुम मेहमान बनकर मेरी गुफा में रहो। उसके बाद जादूगरनी दोनों परी बहनों को पकड़कर अपनी गुफा में कैद कर देती है। ये डॉक्टर परी तो बहुत ही बड़ी धोखेबाज निकली, इस पर भरोसा करके हमने बहुत बड़ी भूल की।
अब तो हम दोनों के साथ साथ हमारे बच्चों की भी जान खतरे में है। लगता है आज हम दोनों की मौत निश्चित है। इस तरह दुखी होकर दोनों परी बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी गुफा के बाहर से गुजर रही अनीता नाम की लड़की उन दोनों की रोने की आवाज़ सुन लेती है। अरे, इस गुफा के अंदर से लड़कियों के रोने की आवाज़ आ रही है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद अनीता गुफा के पास जाकर अंदर झांकने लगती है। गुफा के अंदर का नजारा देख अनीता हैरान रह जाती है। अरे नहीं, इस बुरी जादूगरनी ने दोनों मासूम परियों को कैद करके रखा है। तभी जादूगरनी मंत्र पढ़कर वहाँ एक आग का कुआं प्रकट कर देती है। बस थोड़ी ही देर में मैं तुम दोनों को जलाकर मार दूंगी और उसके बाद तुम्हारी राख खाकर बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। इससे पहले कि ये जादूगरनी इन दोनों परियों की हत्या करे, उससे पहले मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद अनीता फोन करके अपने गांव के सभी लोगों को वहां बुला लेती है। गांव वाले अपने हाथों में तलवार लेकर गुफा में पहुंच जाते हैं। फिर अनीता सभी गांव वालों के साथ गुफा के अंदर चली जाती है और अचानक इतने सारे लोगों को देख जादूगरनी और डॉक्टर परी हैरान रह जाते हैं। अब ये क्या हो रहा है, अचानक यहाँ इतने सारे लोग कैसे आ गए? हम इन परियों को बचाने आए हैं। अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हैं तो इन्हें छोड़ दो। अरे बेवकूफ लड़की, मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी हूँ, पल भर में तुम सभी को जलाकर मार सकती हूँ। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अच्छा, तो ये बात है, लगता है तू इस तरह नहीं मानेगी। ठह जा, अभी बताती हूँ। इतना कहकर अनीता तलवार उठा लेती है। सब लोग एक साथ मिलकर इन दोनों पर हमला कर दो। अनीता के इतना कहते ही सभी गांव वाले जादूगरनी और डॉक्टर परी पर हमला करने लगते हैं। उन दोनों को संभलने का एक भी मौका नहीं मिलता और देखते ही देखते दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद अनीता उन दोनों को उठाकर जलते हुए कुएं में डाल देती है। हाय, मर गई रे, मेरी चाल मुझी पर उल्टी पड़ गई, कोई बचाओ मुझे। आज मुझे समझ में आया कि हमें कभी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। काश मैंने ये बात पहले ही समझ ली होती। देखते ही देखते दोनों जलकर मर जाती हैं। उसके बाद अनीता दोनों परी बहनों को आजाद कर देती है। फिर दोनों परी बहनें अनीता और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अपने परिदेश लौट जाते हैं और कुछ समय बाद दोनों जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। बहुत समय पहले परिदेश में काजल नाम की परी रहती थी। काजल के पिताजी इंसान थे। काजल परी अपने पिताजी पर गई थी, इस वजह से वो अपने पिता की तरह सांवली थी। दूसरी तरफ सांवले रंग की वजह से काजल परी की शादी नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से उसकी माँ नैना परी परेशान रहती थी। फिर एक दिन नैना परी को खबर मिलती है कि रानी परी महल में परियों का स्वयंवर करवा रही है। नैना परी तुरंत काजल परी को सुंदर सी ड्रेस पहनाकर उसे महल ले जाती है। लेकिन काजल परी को देखते ही वहां मौजूद दूसरी परियां मुंह बना लेती हैं। अरे, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ क्यों आई है? आप एक इंसान से शादी की है, आपकी बेटी के अंदर इंसानी गुण है, इसीलिए हम तुम्हारी बेटी को परी नहीं मानते। आप अपनी बेटी को लेकर इसी वक्त यहाँ से चले जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। आखिर तुम लोग मुझसे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? मेरी मासूम बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, मैं यहाँ बड़ी आस लेकर आई हूँ। कई सालों से मैं अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए परेशान हूँ, तुम मेरी बेटी का स्वयंवर में शामिल होने दो। नहीं नहीं, आपने पहले ही इंसान से शादी करके हम परियों की नाक कटवाई है, अब हम आपकी बेटी की शादी परिदेश के लड़के से नहीं होने देंगे। चलिए निकल जाइए यहाँ से, वरना हम सभी परियां आप और आपकी बेटी को मार के यहाँ से भगा देंगे।
इस तरह सभी परियां अपनी जिद पर अड़ जाती हैं और मजबूर होकर नैना परी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। इस तरह रोज रोज अपने साथ बुरा बर्ताव होते देख काजल परी को बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अब बस बहुत हो गया माँ, परिदेश की कोई भी परी मुझे पसंद नहीं करती। अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैंने पृथ्वी पर जाकर रहने का फैसला किया है। उसके बाद काजल परी अपना सामान लेकर पृथ्वी की ओर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद काजल परी परिदेश के जंगल में पहुंच जाती है। तभी अचानक उसे किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। काजल परी देखती है कि दो खतरनाक जादूगरनी रानी परी को रस्सियों से बांधकर ले जा रहे हैं। ये देख काजल परी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये तो हमारी रानी परी है, लगता है ये मुसीबत में है, मुझे फौरन इन्हें बचाना होगा। इतना कहकर काजल परी उसी वक्त जादूगरनियों का रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। चलो इसी वक्त मेरी रानी परी को छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा। देख हम दोनों ही बहुत शक्तिशाली जादूगरनी हैं। तेरी रानी परी को मारकर पूरे परिदेश पर हुक्म करना चाहती हैं और हम पूरे परिदेश पर कब्जा कर लेंगी। तू यहाँ से भाग जा, वरना बेवजह तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। मैं अपनी रानी परी को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं भागने वाली। लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर जादूगरनी मंत्र पढ़कर वहां गरम तेल से भरी एक कढ़ाई प्रकट कर देती है और अगले ही पल उस कढ़ाई का तेल काजल परी के ऊपर गिरने लगता है, लेकिन काजल परी के शरीर पर कोई असर नहीं होता। ये देख दोनों जादूगरनी हैरान रह जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, इस परी के ऊपर हमारे जादू का असर क्यों नहीं हो रहा? कहीं ये इंसान तो नहीं, क्योंकि हमारी जादुई शक्तियों का असर इंसान पर नहीं होता। ये सुनकर काजल परी हंसने लगती है। मैं आधी इंसान और आधी परी हूँ, इसीलिए तुम्हारे जादू का असर मुझ पर नहीं होने वाला। चलो अब तुम दोनों को मजा चखाती हूँ। इतना कहकर काजल परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहाँ एक बड़ी सुराही प्रकट कर देती है और इसके बाद उन दोनों चुड़ैलों को बांधकर उस सुराही के अंदर बंद कर देती है। फिर काजल परी और रानी परी मिलकर सुराही को एक अंधेरी गुफा में ले जाकर कैद कर देते हैं। काजल की बहादुरी देख रानी परी बहुत खुश होती है और उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लेती है। तुम बहुत ही नेक और हिम्मत वाली हो, तुमने मुसीबत के वक्त बिना सोचे समझे मेरी मदद की है। तुम्हारी जगह कोई और परी होती तो डरकर भाग जाती। तुम परी देश की सबसे बहादुर परी हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। रानी परी की बात सुनकर काजल परी खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद रानी परी अपने बेटे की शादी काजल परी के साथ कर देती है। इस तरह काजल परी की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो परिदेश के महल में हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले आनंदापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में आरती नाम की एक औरत अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। आरती सड़क के किनारे पंचर की दुकान चलाया करती थी और गाड़ियों के पंचर बनाकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी। इसी तरह एक दिन आरती अपनी दुकान पर पंचर बना रही थी कि तभी सरपंच की बेटी सोनिया अपनी सहेलियों के साथ सड़क पर पटाखे फोड़ने लगती है। ये देख आरती को बड़ी हैरानी होती है। अरे सोनिया, अभी तो दिवाली नहीं है, फिर तुम इस तरह सड़क पर पटाखे क्यों फोड़ रही हो? आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं सड़क पर पटाखे फोड़कर खुशी मना रही हूँ। थोड़ी ही देर में मैं यहाँ बहुत बड़ा केक काटने वाली हूँ, उसके बाद मैं अपने घर पर तेरे जैसी गरीब और भिखारियों को खाना भी खिलाऊंगी। अगर तुझे भी खाना खाना है तो अपने बच्चों को साथ लेकर आ जाना। और तुम्हारा जन्मदिन है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह सड़क पर पटाखे फोड़ना ठीक नहीं है। देखो बगल में मेरी झोपड़ी है, अगर कोई पटाखा मेरी झोपड़ी के अंदर चला गया तो मेरी झोपड़ी में आग लग जाएगी।
देख अब तो ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो इससे खराब करने की कोशिश मत कर, चल निकल यहाँ से। इस तरह सोनिया डांटकर आरती को चुप करा देती है। उसके बाद सोनिया एक साथ ढेर सारे पटाखे जलाना शुरू कर देती है। तभी एक रॉकेट सीधा आरती की झोपड़ी में चला जाता है और आरती की झोपड़ी में आग लग जाती है। ये देख आरती घबरा जाती है और फौरन आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो आग आरती की झोपड़ी को पूरी तरह जलाकर राख कर देती है। साथ ही आरती के घर का सारा सामान भी जल जाता है। अरे सोनिया, ये तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें पहले ही समझाया था कि देखो, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी झोपड़ी जल गई, मेरी झोपड़ी में रखे सारे पैसे भी जल गए, अब तुम्हें मेरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। तभी वहाँ सोनिया के पिताजी आ जाते हैं। क्या हुआ आरती, तू मेरे फूल जैसी बेटी को इस तरह क्यों डांट रही है? सरपंच जी, तुम्हारी बेटी ने जानबूझकर मेरी झोपड़ी जला दी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे नुकसान की भरपाई करिए। अरे पागल औरत, तुझे किसने कहा था सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रहने के लिए? और वैसे भी ये जगह सरकारी है, तूने जबरदस्ती यहाँ कब्जा कर रखा है, अच्छा हुआ जो तेरी झोपड़ी जल गई। हाँ मेरी बेटी बिल्कुल ठीक कहती है, तूने सरकारी जमीन पर झोपड़ी बनाई थी, इतना ही नहीं तूने अपनी दुकान भी बिना किसी मंजूरी के यहाँ खोल रखी है। पिताजी, ये औरत अपने आप को बहुत चालाक समझती है और हमें बेवकूफ बनाकर हमसे पैसे लूटना चाहती है। मैं तो कहती हूँ आप इसकी दुकान तोड़कर इसे यहाँ से भगा दीजिए, तभी इसे सबक मिलेगा। सरपंच फौरन अपनी बेटी की बात मान जाता है और आरती की दुकान तोड़वा देता है। अब दोबारा अगर तूने कभी मेरी बेटी को परेशान किया तो मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अपने साथ हुए अन्याय से बेचारी आरती बहुत दुखी होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और फिर से अपने लिए एक झोपड़ी तैयार करना का मन बना लेती है। उसके बाद आरती लकड़ी काटने पास के जंगल में पहुंच जाती है। तभी उसे बहुत बड़ा मजबूत पेड़ दिखाई देता है। फिर आरती जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी अचानक वो पेड़ बोल पड़ता है, नहीं नहीं मुझे मत काटो, आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पेड़ को बात करते देख आरती को बड़ी हैरानी होती है। फिर वो पेड़ से कहती है, कुछ बुरे लोगों ने मिलकर मेरी झोपड़ी जला दी और मेरी दुकान भी तोड़ दी, अब मेरे और मेरे बच्चों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं नया झोपड़ा बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे लकड़ियाँ की जरूरत है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो, मैं अभी पल भर में तुम्हारे सारे परेशानी दूर कर दूंगा। पेड़ के इतना कहते ही उसकी डालियों से ढेर सारे सोने की लकड़ियाँ जमीन पर गिरने लगती हैं। ये मेरी जादुई सोने की लकड़ियाँ हैं, इन्हें ले जाकर तुम आपस में जोड़ दो, तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाएगा। पेड़ से मिली मदद पाकर आरती बहुत खुश होती है और सभी सोने की लकड़ियाँ उठाकर वहाँ से गाँव लौट जाती है। उसके बाद आरती उन सभी सोने की लकड़ियों को आपस में जोड़ देती है और अगले ही पल वहाँ एक बहुत ही शानदार मकान तैयार हो जाता है। इतना ही नहीं, उस घर के अंदर जरूरत की सभी चीजें मौजूद थी। साथ ही आरती को वहाँ पैसों से भरी एक तिजोरी भी मिलती है। इस तरह उस जादुई पेड़ की मेहरबानी से आरती रातों रात अमीर बन जाती है और पूरे गाँव में उसके नाम के चर्चे होने लगते हैं। जब ये बात सोनिया और उसके पिताजी को पता चलती है तो आरती की खुशी देख दोनों जल भुनकर राख हो जाते हैं। पिताजी, हमें उस आरती का घर छीन कर उसे भगा देना चाहिए, उस सोने के घर से हम बहुत अमीर बन सकते हैं। सरपंच भी अपनी बेटी की तरह लालची था, वो दोनों जबरदस्ती आरती के घर पर कब्जा करने पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उस घर के अंदर से एक बड़ा भूत बाहर निकल आता है और दोनों की पिटाई करने लगता है। मैं इस घर का रखवाला हूँ, मेरे रहते तुम लोग आरती का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर भूत उन दोनों का मुंह काला करके उनकी खूब पिटाई करता है। आरती, हमें बचा लो वरना ये भूत हमें जान से मार देगा। आरती बेटी, हमें हमारे किए की सजा मिल गई है, अब इस भूत से कह दो कि हमें छोड़ दे। फिर आरती के कहने पर भूत उन दोनों को छोड़ देता है
उस दिन के बाद से वो दोनों पूरी तरह सुधर जाते हैं और दोबारा गांव में किसी को परेशान नहीं करते। पर आरती अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगती है। एक दिन सिंड्रेला परी पृथ्वी से खरीदारी करके अपने परिदेश लौट रही थी कि तभी अचानक रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सिंड्रेला परी अपने आप को बचाने के लिए फौरन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद वहां से प्रीति नाम की एक लड़की साइकिल पर बहुत बड़ा सा केक लेकर गुजरती है, लेकिन बारिश के कारण साइकिल का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सड़क पर गिर जाती है। इस वजह से उसका केक पूरी तरह टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये देख प्रीति घबरा जाती है। अरे नहीं, इतना महंगा केक टूटकर बर्बाद हो गया, अब मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, अब मैं क्या करूं? इस तरह प्रीति दुखी होकर रोने लगती है। प्रीति की ये हालत देख सिंड्रेला परी को उस पर बहुत दया आती है और वो पेड़ के नीचे उतरकर उसके पास पहुंच जाती है। अरे ये तो एक परी है, सुनो परी, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर मैंने आज कस्टमर के यहाँ केक डिलीवर नहीं किया तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा, फिर मैं अपनी अपाहिज माँ का इलाज नहीं करवा पाऊंगी। तुम परियों के पास तो बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तुम आसानी से मेरी मदद कर सकती हो। मुझे माफ़ करना, आज मैं अपनी जादुई छड़ी साथ लेकर नहीं आई, इसीलिए मैं कोई जादू नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं तुम्हें अपनी जादुई कीमती अंगूठी देती हूँ, इसे ले जाकर तुम बेच दो, तुम्हें ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों से तुम बड़ा केक खरीद कर उस कस्टमर के घर डिलीवर कर देना, साथ ही बचे हुए पैसे से तुम अपनी अपाहिज माँ का इलाज करवा लेना। इस तरह दयालु सिंड्रेला परी अपनी अंगूठी प्रीति को देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रीति उस अंगूठी को लेकर वहाँ से चली जाती है और सुनार की दुकान में पहुँच जाती है। सुनिए अंकल, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार जैसे ही अंगूठी को अपने हाथ में पकड़ता है कि तभी उस पर लगा कीमती हीरा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लगता है इस लड़की को ये अंगूठी सड़क पर कहीं पड़ी हुई मिली है, मैं उसे बेवकूफ बनाकर इसे बहुत सस्ती कीमत पर खरीद सकता हूँ। प्रीति को सुनार की आंखों में लालच दिखाई देता है और उसे सुनार पर शक होने लगता है। लगता है ये सुनार मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, अब मैं ये अंगूठी से नहीं बेचूंगी। उसके बाद प्रीति वहां से चली जाती है, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी और शहर की दूसरे सुनारों की दुकान बंद हो गई थी। अरे ये सब क्या हो गया, अब मैं अंगूठी नहीं बेच सकती, अब मेरी नौकरी कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद दुखी होकर प्रीति अपने घर चली जाती है, लेकिन अगले दिन वो लालची सुनार किसी तरह प्रीति का पता लगा कर उसके गाँव तक पहुँच जाता है। सुनार के साथ उसके बहुत सारी आदमी थे, फिर वो सब एक एक कर गांव के लोगों से प्रीति के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। उन लोगों का व्यवहार देख गांव वालों को उन पर शक होता है और वो लोग प्रीति के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताते और कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। ये देख सुनार को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ मिलकर लोगों के घरों में तोड़फोड़ करने लगता है और वहाँ आग भी लगा देता है। देखते ही देखते गांव के आधे से ज्यादा घर जलकर राख हो जाते हैं। बेचारे गांव वाले सुनार उसके आदमियों का मुकाबला नहीं कर पाते। मैं कल फिर वापस आऊंगा, अगर तुम लोगों ने मुझे उस लड़की के बारे में नहीं बताया तो मैं इस गांव के हर एक घर को जलाकर राख कर दूंगा। इस तरह गाँव वालों को धमकी देकर सुनार वहाँ से चला जाता है। सुनार के जाते ही सभी लोग प्रीति के घर पहुंच जाते हैं और उसे सुनार के बारे में सब कुछ बता देते हैं। हे भगवान, लगता है वो अंगूठी बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए वो सुनार इसे हड़पने के लिए इतना उताला हो रहा है, अब मैं क्या करूं? प्रीति अंगूठी को पकड़कर मन ही मन सिंड्रेला परी को याद करने लगती है और अगले ही पल सिंड्रेला परी उसके सामने प्रकट हो जाती है। सिंड्रेला परी को देख वो खुशी से उछल पड़ती है और उसे सुनार की हरकतों के बारे में सब कुछ बता देती है।
उस दुष्सुना ने मेरे गांव के कई घरों को जलाकर राख कर दिया है और वो कल फिर वापस गांव में आने वाला है। तुम चिंता मत करो प्रीति, अब वो सुनार गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद सनरैला परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से वहां दो बड़े बड़े जादुई केक के घर बनाकर प्रकट कर देती है। ये दोनों केक से बने घर है, तुम सभी गांव वालों को लेकर इसके अंदर चली जाओ। इतना कहकर सनरैला परी वहां से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद प्रीति गांव वालों को लेकर उन दोनों केक से बने घर के अंदर चली जाती है। फिर अगली सुबह होते ही सुनार अपने आदमियों के साथ गांव में पहुंच जाता है। गांव वालों को केक के घर के अंदर देख सुनार को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मुझसे नहीं बच सकते। उसके बाद सुनार अपने आदमियों के साथ मिलकर दोनों केक से बने घर के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी केक के ऊपर जल रही मोमबत्ती के अंदर से बहुत सारी मोमबत्तियां बाहर निकलकर सुनार और उसके आदमियों के ऊपर गिरने लगती हैं, जिस वजह से उनके कपड़ों पर आग लग जाती है। ये देख सभी घबरा जाते हैं। लगता है ये दोनों जादुई केक है, हमें फौरन यहाँ से भागना होगा वरना सभी जलकर मारे जाएंगे। फिर सुनार अपने आदमियों के साथ भागता हुआ पास की नदी में कूद जाता है और किसी तरह आग बुझकर वो सब दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। उस घटना के बाद से सुनार दोबारा कभी उस गांव में कदम नहीं रखना। दूसरी तरफ सिंड्रेला गांव वालों के लिए नए घर तैयार कर देती है और साथ ही प्रीति को ढेर सारे पैसे देकर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। फिर प्रीति अपनी माँ का इलाज करवा के हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।